इंदौर की तुकोगंज थाना पुलिस ने दो शातिर चोर महेंद्र और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके दो साथी सुनील और दिनेश को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में चोरों ने बताया कि वे घर में पहले नौकर बनकर दाखिल होते थे और मौका मिलते ही रुपए और घर के रखे जेवरात लेकर फरार हो जाते थे। गौरतलब है कि इंदौर जिला न्यायालय द्वारा 28 सितंबर तक कोर्ट के सामने पेश न होने की सूरत में करण मोरवाल की संपत्ति को कुर्क करने के जेएमएफसी कोर्ट ने आदेश दिए हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया है। लंबे समय से फरार आरोपी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज है। आदेश खारिज होने के बाद से ही पुलिस की कई टीम अलग अलग शहरों में जाकर करण की तलाश कर रही है। कल भी इंदौर पुलिस की एक टीम करण के बड़नगर स्थित निवास पर पहुंची थी, लेकिन वही नहीं मिल पाया। पुलिस की आशंका है कि देश छोड़ भाग सकता है। आरोपी करण, जिसके लिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर पता चला है कि करण का पासपोर्ट अब तक नहीं बना है, इसलिए नेपाल भागने की ज्यादा संभावना है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस बॉर्डर पर निगरानी रख रही है। वहीं फरारी के दौरान फरार आरोपी करण मोरवाल की मदद करने वाले मददगारों पर भी पुलिस कार्यवाही की तैयारी कर रही है। ये आपको तो शुरू में पता ही है कि अपन ने इसके ऊपर काफी प्रयास उसकी गिरफ्तारी किए, नहीं मिला। 5,000 रुपए का इनाम भी उसके ऊपर किया था। अब हम महिला थाना इंदौर की टीम, क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम, दोनों शामिल रूप से काफ़ी प्रयास कर रही है कि हम उसे हर संभावित स्थान पर हम दबिश दे रहे हैं, लेकिन वो बच के निकल रहा है। इसमें हमें लोकल थाना बड़नगर का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है और हम सभी मिलकर उसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका इनाम बढ़ाकर 15,000 रुपये भी कर दिया गया है। और जो भी हमें सूचनाएं मिल रही हैं उसके जहां भी होने के हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, वहां पहुंच के उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, माननीय जिला न्यायालय के द्वारा कोर्ट की हेतु 28 सितंबर एक डेट दी गई थी कि अगर आरोपी उस दिनांक तक प्रस्तुत नहीं होता तो उसके नाम से जो भी संपत्ति हम लोगों ने कलेक्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी उसकी कुर्की की जाएगी। लेकिन इस बीच में ही उसने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में एक याचिका लगाई थी और उस पर से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लोअर कोर्ट का जो आदेश था वो डिसमिस किया गया। और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रक्रिया रुक गई है, हम लोग पुनः उस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। और उसके ऐसा बीच में आ रहा था कि वो कहीं बाहर जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं, हमने वो प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग यथासंभव सारे प्रयास कर रहे हैं। लुकआउट नोटिस जो जारी होता है उसके लिए पासपोर्ट की नीड होती है और पासपोर्ट उसका है नहीं, तो हम लोग दूसरी प्रक्रिया कर रहे हैं और दूसरी प्रक्रिया हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल पुलिस ये प्रयास करेगी वो कहीं भी इधर उधर ना हो। नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आप लोग के सामने नहीं ला सकती, उस पर से पुलिस गोपनीय रूप से कार्य कर रही है। विश्वास करिए, आप लोगों का सहयोग हमें हमेशा मिला है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मिले। थैंक यू सो मच। देखिए, आगे जैसी भी चीज़ विवेचना के अंतर्गत आएगी वो ज़रूर से होगी। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।